हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट टू, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 पार्ट 1 में हो गया था, और पार्ट टू में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 7 तक. सो लेट गेट स्टार्टेड. गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम फॉलोइंग इक्वेशन. ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है, इसमें हमें एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है. तो ये वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं. सबसे पहले ये मैट्रिक्स की एक लाइन हमें ऐड करनी है इस क्वेश्चन में, कि जब बीच में इक्वल लिखा होगा. यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है, यानी ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स जो हैं एक दूसरे के बराबर हैं. जब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसके अंदर वाले एलिमेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे. क्योंकि इस मैट्रिक्स में, जब हमें ध्यान रखना है कि जब किसी भी मैट्रिक्स में जब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, तो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे, यानी 4 जो है वाई के इक्वल होगा, 3 जो है वो जेड के इक्वल होगा, एक्स जो है वो 1 के इक्वल होगा, एंड 5 जो है वो 5 के इक्वल होगा. तो हमें लिखना है, इफ़ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल. ठीक है, ये लाइन जो है वो लिख दी है, इफ़ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल. देयर फोर क्या होगा, एक्स जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स में जहाँ पे एक्स का पोजीशन है, वहाँ पे इस मैट्रिक्स में 1 की पोजीशन है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 1. देन हमें क्या निकालना है, वाई की वैल्यू. देन वाई जिस पोजीशन पे है, उस पोजीशन पे इस मैट्रिक्स में है 4. देन वाई इज इक्वल टू 4 एंड जेड इज इक्वल टू 3. इससे हमारे पास एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो चुकी है. अब इसका पार्ट 1 जो है वो सॉल्व हो चुका है. सिमिलर जो है वो पार्ट 2 को भी हम सॉल्व करेंगे. अब जो पार्ट नंबर 2 है इसका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 इज इक्वल टू 2, जेड 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, एक्स वाई इज इक्वल टू 8, ऐसे हैं. तो इसमें भी हम ये वाली लाइन लिख देंगे कि इफ़ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल. देयर फोर अब हम इन दोनों को जो है वो कंपेयर कर देंगे, क्योंकि टू मैट्रिक्स अगर इक्वल होती है, तो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स भी हैं वो इक्वल होते हैं. तो हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 8. अब हमने इन तीनों को इक्वल कर दिया, x प्लस वाई को 6 के इक्वल, जेड प्लस 5 प्लस जेड को 5 के इक्वल और एक्स वाई को 8 के इक्वल. देन अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक एक नाम दे देंगे, लाइक इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. अब इसमें हमारे को ना x पता है ना y पता है, तो ये निकालने में हमें थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है. देन इसमें हमें 5 दिया है, सिर्फ जेड की वैल्यू निकालनी है. यानी अगर हमें सिर्फ एक अल्फ़ाबेट की वैल्यू निकालनी होती है, तो वो निकालना आसान है. जेड को हम इधर ही रहने देंगे, 5 पहले से ही उधर है. ये वाला 5 जब यहाँ से वहाँ जाएगा, तो प्लस से माइनस में हो जाएगा. देन जेड की वैल्यू जो है वो ईज़िली निकल जाएगी. तो जो वैल्यू ईज़िली निकल रही है, उसको पहले हम निकाल देते हैं. तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हम ले लेंगे ये वाली वैल्यू, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5. देन जेड इधर ही रहेगा, 5 ये वाला 5 पहले से ही इधर है. इस वाले 5 को जब हम यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, तो ये अपना जो साइन है वो चेंज करता है. अगर ये यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ जाने के बाद माइनस हो जाएगा. अगर ये यहाँ माइनस है, तो यहाँ जाने के बाद प्लस हो जाएगा. जेड इज इक्वल टू 5 में से 5 चला जाएगा, तो बचेगा 0. देन हमें एक्स वाई जेड में से हमने जेड की वैल्यू जो है वो निकाल दिया, बची हमारी एक्स और वाई की वैल्यू. यानी ये इक्वेशन जो है वो हमारा सॉल्व हो गया. बचते हैं अब हमारे पास दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3. अब इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6.
अब हम क्या करेंगे, एक इस इक्वेशन से एक और इक्वेशन बनाएंगे। जैसे x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, देन 6 पहले से ही इधर है, और y भी जब इधर से इधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे माइनस में चला जाएगा। अब ये वाली जो x की वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ पे हम जो है ये वाली वैल्यू डाल देंगे, तो हम लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 3। पुट कर देते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 8, एक्स की जगह डाल देंगे 6 माइनस वाई, ये हमने एक्स की वैल्यू डाल दी, देन वाई इज इक्वल टू 8। अब वाई को एक बार हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, तो 6y माइनस वाई वाई जा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। देन अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन फैक्टराइजेशन के लिए वाई स्क्वायर जो है वो सबसे पहले आना चाहिए, और वो जो वाई स्क्वायर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, ये वाले टर्म को उड़ा के हम इधर लेके चले जाएंगे। अगर ये वाले टर्म को हम यहाँ से यहाँ लेके चले जाते हैं तो अपना साइन चेंज करेगी, तो वाई स्क्वायर जो है वो ऑटोमेटिकली प्लस में हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको यहाँ लेके चले जाएंगे, यानी वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो गया एंड ये पॉजिटिव था, ये अब इधर जाने के बाद नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाली अपनी जगह पर ही है इसीलिए ये पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने जो है चेंज कर दी पूरी की पूरी इसकी इक्वेशन। अब फैक्टराइजेशन जो है बहुत इजीली हो जाएगा। फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ऐसी दो डिजिट को फाइंड आउट करना है जिसको मल्टीप्लाई, जिसको प्लस या माइनस करने से 6 आए और मल्टीप्लाई करने से 8 आए। तो ऐसी दो डिजिट कौन सी होती है, एक होती है 4 और एक होता है 2। यानी 4 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 6, और 4 और 2 को अगर हम प्लस करते हैं तो भी आता है 6। तो ऐसी दो चीज़ क्या है, 4 और 2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वाई स्क्वायर, देन अब देखो 4 और 2 हम पुट कर देते हैं, 4y एंड 2y। लेकिन अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं ईजिली, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, प्लस तो हो जाएगा और 6y भी आ जाएगा, लेकिन माइनस का नहीं आएगा। अगर हमें इसको माइनस का लेके आना है, देन दोनों के बीच में हम माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 और 2 6 भी हो जाएगा, और जो सिंबल है वो माइनस का भी हो जाएगा, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देन इन दोनों में कॉमन क्या है, वाई, तो वाई को हम बाहर निकाल देंगे, एक वाई बाहर निकल जाएगा तो अंदर एक ही वाई बचेगा, ये वाई पहले ही बाहर निकल चुका है, बचा 4। इन दोनों में से कॉमन 2 का टेबल है, तो 2 का टेबल निकाल लेंगे हम बाहर, माइनस है 2 के साथ, तो 2 माइनस बाहर निकल जाएगा, वाई 8, 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 4 पे, और माइनस बाहर निकल गया तो यहाँ भी बच गया माइनस। यानी आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, अंदर की दोनों चीज़ें जो हैं वो सिमिलर होनी चाहिए, इसका मतलब आपका फैक्टराइजेशन सही हो रहा है। देन y माइनस 2 एंड y माइनस 4, y की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम एक इक्वेशन ले लेंगे, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू निकालेंगे, 2 यहाँ से उड़ के यहाँ जाएगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव, एंड y यहाँ से उड़ के यहाँ जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव। y की वैल्यू जो है दोनों ही पॉजिटिव में निकल गई, इसका मतलब ये दोनों ही वैल्यू जो है वो ठीक है। तो एक बार हमें y की वैल्यू 2 पुट करनी है और एक बार हमें y की वैल्यू 4 पुट करनी है। अब देखेंगे हम y की वैल्यू जो है, एक में हमारे पास 2 आ चुकी है और एक में जो है y की वैल्यू 4 आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को जो है ऊपर वाला इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे हम पुट कर देंगे y की वैल्यू को। एक बार हम y की वैल्यू के जगह पे 2 पुट करेंगे और एक बार y की वैल्यू की जगह पे
4 पुट करेंगे देन x की वैल्यू हमारे पास भी 2 आ जाएगी, क्योंकि एक बार जब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे देन x की वैल्यू अलग आएगी, और एक बार अगर हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे देन x की वैल्यू जो है वो अलग आएगी। तो चलो पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और एक जगह फिर हम लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हम एक बार y की वैल्यू डाल देंगे 2, यहाँ पे हम डाल देंगे y की वैल्यू 4, ठीक है। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 2 डालते हैं तो x प्लस y की जगह पे 2 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6, 2 को हम यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 4, एंड यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू नहीं सॉरी y की जगह पे हम डालेंगे 4 इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 x इज इक्वल टू 2, यानी अगर y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू 4 आएगी, और अगर y की वैल्यू 4 होगी देन x की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इफ y इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 2 एंड z तो हम पहले से निकाल चुके हैं 0, एंड यहाँ पे इफ y इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू 2, फिर दोबारा से ये वैल्यू पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 0, तो इसके आंसर जो हैं वो 2 निकल जाएंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लो, इससे पहले जो मैंने किया था वो भी पेपर मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था, इन दो मैट्रिक्स को कंपेयर किया था और बताया था कि अगर 2 मैट्रिक्स सेम होंगे देन उसके अंदर के एलिमेंट्स भी होंगे वो सेम होंगे। देन हमने इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 करके जो वैल्यूज़ जो थी वो पुट कर दी थी, एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से हमने जेड की वैल्यू निकाल ली, देन इक्वेशन नंबर 1 को हमने एक वैल्यू इक्वेशन बना के इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया, जिससे हमें वाई की वैल्यू जो है वो 2 मिल गई। 2 वाई की वैल्यू मिलने के बाद हमने क्या किया, उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके एक्स की वैल्यू भी निकाल दी, देन 2 हमारे पास जो है वो आंसर निकल गए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। जो इसका पार्ट 3 है उसमें मैट्रिक्स हमें 2 दिए हुए हैं और वो दोनों मैट्रिक्स भी एक दूसरे के जो हैं वो बराबर हैं। देन अगर ये बराबर हैं तो ये हम लाइन लिख देंगे इफ़ 2 मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो वेरी इक्वल। देयरफोर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इसमें हमें ना x की वैल्यू दी है, ना y की वैल्यू, ना z की वैल्यू, बस हमें बोला है कि अगर इन तीनों का हम सम करेंगे तो 9 आएगा, इन दो का सम करेंगे तो 5 आएगा, इन दो का सम करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ऐसी कोई दिमाग लगाना है जिससे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो निकाल ले। तो हमें क्या करना है, इसमें देखो एक्स प्लस वाई हमें पता है कि 5 है, देन अगर हम एक्स प्लस वाई के जगह पे 5 पुट कर देते हैं देन जेड की वैल्यू जो है वो ईजी हो जाएगी निकालना। जैसे कि देखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, देन x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो है 5, तो जहाँ x प्लस 5 की जगह पे हम डाल देंगे x प्लस वाई की जगह पे डाल देंगे हम 5,
प्लस जेड इज इक्वल टू 9। जेड यहीं रहेगा, 9 वहीं रहेगा, 5 यहाँ से वहाँ जाएगा तो प्लस से माइनस में हो जाएगा। जेड इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4, यानी जेड की वैल्यू जो है हमने निकाल दी 4। अब अगर इस जेड की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, वाई की वैल्यू निकल जाएगी, तो वही करने वाले हैं हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन 3। तो पुट कर देंगे वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, वाई प्लस जेड की जगह पे डाल देंगे 4, 7, वाई इज इक्वल टू 7 पहले से उधर है, 4 इधर से इधर जाएगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव, देन वाई इज इक्वल टू 3, यानी वाई की वैल्यू भी हमारे पास जो है वो निकल गई 3। अब हमारे पास वाई की वैल्यू निकल गई 3, जेड की वैल्यू निकल गई 4। या तो वाई जेड की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तब एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, या तो हम क्या करते हैं सीधा डायरेक्ट वाई की वैल्यू जो है हम इसमें पुट कर लेते हैं तो एक्स की वैल्यू जो है वो ईजिली निकल जाएगी। तो हम लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो पुट कर देंगे x प्लस y इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई की जगह पे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 3, एक्स इज इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू जो है वो आ गई है हमारे पास 2। तो हम लास्ट में लिख देंगे हेयर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 4, यानी ये जो है हमारा इसका पार्ट 3 जो है वो अच्छे से हो चुका है। आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, देन ऐसे किया हमने, इक्वेशंस बना दिए, पुट कर दी वैल्यू, z 4 आ गया, देन y निकल गया हमारा, z के थ्रू हमने y निकाल दिया एंड y के थ्रू हमने x निकाल दिया, तीनों की वैल्यू जो है वो निकल चुकी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। हम बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोल रहा है कि ए बी सी डी की वैल्यू हमें निकालनी है और मैट्रिक्स हमें दो दिए हैं और वो दो मैट्रिक्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। देन सॉल्यूशन में हमें क्या बोला है कि हमने ये लाइन तो लिख देनी है सब में, इफ़ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, देयरफॉर हमने क्या किया, इन सब वैल्यू को जो है वो पिछले क्वेश्चंस की तरह कंपेयर कर दिया। अब आप देख रहे होंगे ए माइनस बी, बी ए माइनस सी, ए माइनस बी, सी माइनस डी, किसी की भी वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है क्योंकि इसमें दो दो वैल्यू है हमारे पास, दोनों ही निकली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन हमारे पास ये है a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1, तो इससे हम क्या करेंगे a की वैल्यू निकाल लेंगे, a इज इक्वल टू माइनस 1 उधर ही है, b इधर से उधर जाएगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू हमारे पास a की आई है इसको हम किसी में पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर मान लो हम इसको पुट कर देते हैं 3 में, क्योंकि ए यहाँ पे है तो बी की वैल्यू जो है वो आराम से निकल जाएगी। तो पुट कर देते हैं हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, देन 2 के जगह a के जगह पर डाल देंगे हम ये वाली वैल्यू माइनस 1 प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू 0, देन एक बार हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 वन जा 2 माइनस है तो माइनस लग गया और 2b माइनस बी इज इक्वल टू 0। देन क्या करेंगे, ये भी बी है ये भी बी है, देन 2b में से b चला जाएगा तो सिंगल b बचेगा,
इज इक्वल टू ज़ीरो। देन हमें निकालना क्या है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी और टू जो है, जब हम इसको यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सिर्फ बी की निकालनी है, तो बी को हमें अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो ये टू जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। देन हमारे पास बी की वैल्यू जो है वो निकल चुकी है। जब हमारे पास बी की वैल्यू निकल चुकी है तो हम ईज़िली ए की वैल्यू निकाल लेंगे। अब अगर हम इस बी की वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर वन में, यहाँ पे अगर हम बी की वैल्यू को पुट कर देते हैं, देन हमारे पास ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर वन, पुट कर देते हैं। देन इक्वेशन नंबर वन हमारे पास है ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन। ए के जगह पे डाल देंगे हम कुछ भी नहीं, ए ही डालेंगे, और बी के जगह पे हम डाल देंगे टू। देन ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ए को एक तरफ कर देंगे, माइनस वन पहले से ही दूसरी तरफ है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस से प्लस में हो जाएगा। देन टू माइनस वन इज इक्वल टू वन। देन ए की वैल्यू जो है हमारे पास निकल गई वन। देन ए निकल गया, बी निकल गया। अब अगर हमें सी और डी की वैल्यू निकालनी है, अब ये देखो यहाँ पे अगर हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं तो सी की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो वही लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर, मान लो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर फाइव, क्योंकि फोर तक इक्वेशन जो है हमने ऊपर लिख दी है। तो हम लिख देंगे पुटिंग द इक्वेशन फाइव इन इक्वेशन, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फाइव इन इक्वेशन टू। तो पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन नंबर टू है हमारे पास, टू ए प्लस सी इज इक्वल टू फाइव। ए की वैल्यू निकल गई हमारे पास वन, प्लस सी इज इक्वल टू फाइव। टू वन जो टू प्लस सी इज इक्वल टू फाइव, सी इज इक्वल टू फाइव माइनस टू, सी इज इक्वल टू थ्री। देन सी की वैल्यू जो है वो थ्री निकल गई, ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया। अब निकालना है हमारे पास डी। अगर अब हम देखो, ए बी निकल गया, ए सी निकल गया, ए बी निकल गया, बचा सिर्फ डी। तो अगर सी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो डी की वैल्यू भी आसानी से निकल जाएगी। वही करेंगे, अब लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फोर। तो लिख देंगे थ्री सी प्लस डी इज इक्वल टू थर्टीन। थ्री सी की जगह पे भी थ्री, प्लस डी इज इक्वल टू थर्टीन। थ्री प्लस थ्री, थ्री इंटू थ्री नाइन, डी थर्टीन। डी इज इक्वल टू थर्टीन माइनस नाइन, डी इज इक्वल टू थर्टीन में से नाइन चला जाएगा, बचेगा फोर। तो डी की वैल्यू जो है हमारे पास निकल गई फोर। तो हम पुट कर देंगे हेयर ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू टू, सी इज इक्वल टू थ्री एंड डी इज इक्वल टू फोर। ये जो क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं आपको शुरू से सभी क्वेश्चंस जो हैं वो दिखा देती हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स ये है, क्वेश्चन नंबर सिक्स का ये फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सिक्स का ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर सिक्स का सेकंड पार्ट जो है ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स का ये थर्ड पार्ट है। प्लीज
देन क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अगर सारे क्वेश्चन समझ आए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और साथ में वीडियो को शेयर करना ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी इस क्वेश्चन को समझ पाए। और इसका जो पार्ट वन है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप इसका पार्ट वन अच्छे से देखना तो पार्ट टू और भी अच्छे समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।